जब एक शॉट ने तोड़ा स्टेडियम का मीडिया बॉक्स कैसे रोहित शर्मा ने बीच मैदान पर अपने कंधे की सर्जरी कर डाली और बीच मैच में पैराशूट से यह किसने एंट्री मारी तो चलिए आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के ऐसे ही वन इन अ बिलियन मोमेंट्स नंबर वन दोस्तों इमेजिन करो एक बैट्समैन अपनी सेंचुरी से बस एक हिट ही दूर हो और आउट हो जाए कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है ना सीपीएल के एक मैच के दौरान यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था गेल 94 फोर पर आउट होकर पवेलियन जा ही रहे थे तभी अंपायर उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और जब अंपायर नो बॉल चेक करते हैं तो बॉलर का पैर क्रीज से काफी आगे होता है जिसके बाद गेल को एक बार फिर से मौका मिलता है और वो अगली ही बॉल पर सिक्स मारकर अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं अब आप इसको रेयर मोमेंट बोलोगे या लकी कॉमेंट में बताओ नंबर टू like uh, कहानी है साल 2022 के एशेस की ऑस्ट्रेलिया के विशाल स्कोर को चेस करते हुए इंग्लैंड की हालत बहुत खराब थी कंगाली में इंग्लैंड का आटा गीला होने ही वाला था कि बेन स्टोक्स के साथ हुए एक मोमेंट oh, ने सभी को सरप्राइज कर दिया दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कैमरॉन ग्रीन एक इन स्विंगर बॉल फेंकते हैं जिसे बेन स्टोक्स मिसज करते हैं और लीव कर देते हैं ग्रीन की बॉल सीधा स्टंप से टकराती है लेकिन मजे की बात तो यह है कि इतनी स्पीड से से बॉल स्टंप से टकराने के बावजूद बेल्स नहीं गिरती किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और कुछ फील्डर्स को ऐसा भी लग रहा था कि शायद बॉल स्टोक्स के बल्ले से टकरा कर गई है पर रिप्ले देखने के बाद सभी हैरान रह जाते हैं कि यह हुआ कैसे यह तो सच में बहुत अनोखा सीन था नंबर थ्री okay, so the bail, the bail दोस्तों आपने बल्लेबाज के बोल्ड होने के बाद स्टंप्स को हवा में उड़ते तो देखा ही होगा पर जोफ्रा आर्चर ने एक ऐसी बॉल कर दी जिसको स्टंप्स ने अपर कट मारते हुए सिक्स पर भेज दिया मौका था बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच मैच का जोफ्रा आर्चर की एक तेज तर्रार बॉल सौम्या सरकार के स्टम्प उड़ाती है और विकेट कीपर को हुई सिक्स पर चली जाती है जी हाँ दोस्तों स्टंप से टकराने के बाद अक्सर बॉल बाउंड्री तक ट्रैवल कर ही लेती है लेकिन जोफ्रा आर्चर की ये बॉल सीधे सिक्स पर पहुंची जो अपने आप में अनबिलीवेबल है नंबर फोर दोस्तों हमारे रोहित शर्मा सिर्फ हिटमैन नहीं बल्कि सुपरमैन भी है और इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया दरअसल हुआ कुछ यूं कि जडेजा की एक बॉल पर लिविंगस्टोन एक उनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है आपको बता दूं कि इस टाइप की इंजरी बहुत पेनफुल होती है और एक क्रिकेटर को इससे रिकवर करने में महीनों का समय लग जाता है लेकिन रोहित बॉल लगने के बाद दर्द का नाटक ना करते हुए शांति से अपने कंधे को वापस रोटेट करते हैं और बोन को वापस प्लेस में ले आते हैं अब भाई कहना तो नहीं चाहिए पर अगर यही इंजरी कहीं हार्दिक या बुमराह को हुई होती तो शायद वो सालों तक क्रिकेट खेलते नजर नहीं आते नंबर फाइव दोस्तों बचपन में क्रिकेट खेलते हुए किसी की खिड़की का ग्लास तो आपने जरूर फोड़ा होगा लेकिन एक ऐसा भी धाकड़ बल्लेबाज है जिसने ये कारनामा इंटरनेशनल क्रिकेट में करके दिखाया मैं बात कर रहा हूं हम सभी के फेवरेट रिंकू सिंह की साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी ट्वेंटी मैच में रिंकू ने एक ऐसा शॉट मारा जो सीधे सिक्स पर गया और सामने बने मीडिया बॉक्स का कांच टूट गया अब एक तरफ जहां रिंकू के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे वहीं टूटे हुए ग्लास की फोटो भी जबरदस्त वायरल हुई और जब रिंकू से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाक मजाक में इसके लिए माफी भी मांग ली एक बार फिर एकदम सीधा नंबर दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूं क्रिकेट का सबसे अजीब आउट मौका था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच का श्रीलंका का विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज मैदान पर उतरते हैं और क्रीज तक पहुंचकर बैटिंग के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं कि उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट जाता है अब ऐसे में मैथ्यूज को पवेलियन से अपने लिए दूसरा हेलमेट मंगाना पड़ता है पर बांग्लादेश के कैप्टन शकीब अल हसन को मैथ्यूज की तरफ से हो रही ये देरी बिल्कुल भी रास नहीं आती है और वो तीन मिनट रूल के तहत आउट की अपील कर देते हैं एक पल को तो अंपायर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था पर बाद में उन्हें मैथ्यूज को आउट देना ही पड़ता है और इस तरह श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में थ्री मिनट रूल से आउट होने वाले बल्लेबाज बन जाते हैं नंबर सेवन दोस्तों आपने बारिश के कारण क्रिकेट मैच रुकते तो बहुत देखा होगा छक्कों की बारिश रुकते देखा है मौका था बीबीएल के मैच का जिसे मेलबोर्न के डॉकलेंड स्टेडियम में खेला जा रहा था आपको बता दूं कि ये दुनिया के कुछ चुनिंदा स्टेडियम्स में से एक है जिसके ऊपर छत है जिससे बारिश को रोका जा सके लेकिन इसने तो छक्के को ही रोक लिया बल्लेबाज एक ऊंचा शॉट मारता है जो सीधे जाकर छत से टकराता है नीचे खड़ा फील्डर कैच लेने की कोशिश तो जरूर करता है पर पकड़ नहीं पाता पर यार कैच पकड़ने का कोई मतलब भी नहीं था क्योंकि अंपायर इसे डेड बॉल दे देता है और बॉलर को फिर से बॉल फेंकनी पड़ जाती है अब देखते हैं किस किस को पता है कि इन स्टेडियम्स को क्या बोलते हैं नंबर एट दोस्तों हाल ही में जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई मैच चल रहा था उस दौरान एक बंदा पैराशूट से उड़ते हुए स्टेडियम में लैंड करता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं आई मीन जरा सोचो कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी इशू बन सकता है क्या पता चलते मैच में कोई टेररिस्ट उतर जाता कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि इंडियन टीम के मैच में एक बार फिर जारवो ने एंट्री ले ली है पर आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था दरअसल ये ओडीआई मैच पिंक डे के दिन खेला जा रहा था जिसे महिलाओं के बीच ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये पूरा इंसिडेंट कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है बल्कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने लोगों को पिंक डे की इंपॉर्टेंस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया था नंबर नाइन दोस्तों आपने कभी स्टेडियम पर चौपर उतरता हुआ देखा है अरे नहीं भाई कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है और ना ही यहाँ किसी श्रीलंकन टीम का स्वागत हुआ है ये तो पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच का सीन है साल 2018 के पी में कराची किंग्स और पेशावर जलमी के बीच एलिमिनेटर मैच होना था लेकिन बारिश के कारण मैदान गीला था अब भाई मैदान जल्दी सूख पाए इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैदान में चौपर भेज दिया वैसे मैदान सुखाने का तरीका तो थोड़ा कैजुअल था पर आप इसके बारे में क्या विचार रखते हो कमेंट करके बताओ नंबर टेन दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड क्रिकेट की बेस्ट फील्डिंग साइट में से एक है लेकिन ये वाला कैच देखकर आप न्यूजीलैंड टीम के फैन हो जाने वाले हो एडम मिलने की बॉल पर बांग्लादेश के शौरीफुल इस्लाम तेजी से बल्ला घुमाते हैं और बॉल डीप मिड विकेट की बाउंड्री की ओर जाती है यहां फील्डिंग कर रहे विल यंग बॉल को मिस जज करते हैं और थोड़ा आगे निकल जाते हैं लेकिन यंग समय रहते अपनी गलती को सुधारते हैं और डाइव लगाते हुए बाउंड्री से महज कुछ इंच पहले कैच पकड़ लेते हैं oh, wow. hey, तो दोस्तों ये थे क्रिकेट के कुछ ऐसे मोमेंट्स जिनको लाइव देखने के लिए किस्मत लगती है पर हम यहाँ आपको फ्री में दिखा रहे हैं ऐसे ही और मोमेंट्स देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए धन्यवाद